उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक ऐसी देवी हैं जिसे लोग आस्था का केंद्र मानते हैं। मान्यता है कि यहाँ लोग अपनी सलामती के लिए दुआ मांगने आते हैं। कहा यह जाता है कि यहाँ हर मुराद जरूर पूरी होती है। इसी पर देखिए एक खास रिपोर्ट। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को माँ गंगा के तट पर हवन पूजन। गंगा में स्नान कर मिलती है पापों से मुक्ति। सलामती के लिए मांगते हैं दुआ। हिंदू धर्म में करोड़ों देवी देवताओं की मान्यता है। इसी तरह बदायूं में ककोड़ा वाली माता उत्तर प्रदेश में काफी मशहूर हैं। हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को गंगा माँ के तट पर हवन पूजन किया जाता है। साथ ही अपनी सलामती के लिए दुआ भी मांगते हैं। कहा जाता है कि हर दुआ मांगने वाले भक्त को माता कभी भी निराश नहीं करती। एक रात माँ गंगा ककोड़ा वासियों के सपने में आई और कहा कि अगर वो मंदिर की स्थापना कर पूजा अर्चना करते हैं तो वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। जिसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे ककोड़ा वाली देवी माई के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ ही गांव के लोग और उनकी फसलें हमेशा सुरक्षित रहने लगी। तंबू लगा के ही उसमें रहते हैं, नौकरी लगा के रहते हैं। यहाँ पर आवास तो नहीं मिल सकते, तो व्यवस्था अपनी और प्रशासन की बहुत अच्छी है, तो इसीलिए तंबू का शहर माना जाता है। सरकार भी बार उस तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई प्रशासन किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है और सफाई की हर बात की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ककोड़ा में मेला लगने की परंपरा शुरू होने के बाद गांव वासियों की मुराद पूरी होने लगी। आस्था के साथ साथ लोगों की जरूरतें भी पूरी होने लगी। प्रशासन ने कोतवाली अस्पताल से लेकर अफसरों को रुकने के लिए विशेष शिविर लगाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेले में पर्याप्त पुलिस फोर्स का बंदोबस्त किया जाता है। मिनी ककोड़ा मेला माने जाने वाला स्टार्ट हो चुका है सर, तो सर क्या कैंसर श्रद्धालु क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, हम लोग पूरी तरह से चौकस है, चौकन्ने हैं। PSC है, सिविल पुलिस है, मोटर बोट पुलिस है, फायर सर्विस है और हमारी गोताखोरी लगाए हैं, बोट्स भी लगाई हुई है। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं से निवेदन है घाट पर गंदगी ना करें और सुरक्षित अच्छी अपर धन्यवाद। हिंदू धर्म में परंपराएं और पौराणिक मान्यताएं आज भी प्रचलित है। इस तरह की परंपरा हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को काफी आकर्षित करती है। ककोड़ा वासी भी ऐसी ही पौराणिक मान्यताओं को आगे बढ़ाते हुए परंपरा को निभा रहे हैं, जो अब आस्था का विशाल केंद्र बन चुकी है। बदायूं से पवन तोमर की रिपोर्ट।